चौक चौपाल के चुनावी यात्रा के दौरान अभी देखिए हम पहुंचे हैं चुनावी यात्रा के, जैसे ही हम चल रहे थे तो अभी गोरखपुर में है और गोरखपुर में ये जंगल है। गोरखपुर का जंगल आप जानते होंगे किस तरह आपको पेड़ दिख रहा है, सखुआ का पेड़ है। यहाँ देख रहे हैं कुछ लोग जलावन काट रहे हैं, और जब उज्ज्वला योजना देश में चल रहा हो और उसका पूरा जो है बताया जा रहा हो उस समय ये जलावन काटा जा रहा है। और जलावन के साथ साथ अभी हम आपको बता दें हम है गोरखपुर, ये चरगावा बोला जाता है, ये जंगल है। और जंगल में जब योगी जी मुख्यमंत्री बने थे उस समय ये सब आवास जो आपको दिख रहा है, इधर आपको आवास दिखेगा इधर भी दिखेगा, ये दिया गया था। ये गांव ही एक तरह से उनका बसाया हुआ है और ये बोला जाता है, हमको जहां तक जानकारी है ये बोला जाता है कि ये सब जो आपको दिख रहा है ये योगी जी गाँव बसाए हुए थे। क्या नाम है? राम सुहारत। अच्छा, ये कब बना था? अब यही लोग बताएंगे। आप यहाँ के नहीं हैं? चलिए, ये यहाँ के नहीं है लेकिन यहाँ के जो लोग, क्या नाम है आपका? जंगल व्यापार का हम है न। अच्छा, आप यहाँ नहीं है? चलिए, आप यहाँ के नहीं है, जो लोग लकड़ी यहाँ काट रहे हैं उनसे आप भैंस चरा रहे हैं? चलिए, ये भैंस चरा रहे हैं, जो यहाँ लकड़ी काट रहे होंगे वो बताएंगे कि भाई ये कब बना था, कैसे है यहाँ पे, कब से लकड़ी काट रहे हैं। और ये देखिए, ये आपको टांगा बोला जाता है, कितना खतरनाक टांगा है इनका। ये 1.5-2 किलो का होगा ये पूरा? हाँ, 1 किलो का होगा। 1 किलो का है। क्या नाम है आपका? रामजीव। अच्छा, चलिए, ये कौन लकड़ी है? ये जमुआ का लकड़ी है, जलावन है, आंधी में टूटा था, हम लोग बीन के लाए हैं। तोड़े नहीं है? नहीं नहीं, तोड़े नहीं, जैसे आंधी में आया था, आंधी में टूटा तो हम लोग गांजे हुए हैं, तो भी अब अपने जलाने में काम। अच्छा, जिसका कम हो जाता होगा, जलावन नहीं होगा, वो तो तोड़ के भी लाएगा? नहीं नहीं, जैसे होता कि जैसे आंधी नहीं आता वैसे अब गैस का सिस्टम बहुत लोगों को मिल गया है, कुछ लोग का बाकी है। और यह मतलब उनके जब आए हैं तब से बहुत जिंदगी खुशहाल है। कौन आया है? योगी जी जब से आए हैं तब से जिंदगी खुशहाल सबका चल रहा है। अच्छा। हाँ, बहुत कोई दिक्कत नहीं है ज्यादा, यह कि मतलब इस समय कोरोना दिक्कत से बहुत लोगों को परेशानी हुआ, हम लोग को भी परेशानी, अब बारिश हो जाता तो परेशानी होता है। ये जगह बताइए पहले, कौन सी जगह पे? बनटांगिया त्रिकोण नंबर 3 है। अच्छा, चरगावा में आता है? हाँ, चरगावा ब्लॉक में आता है। चरगावा ब्लॉक में आता है? हाँ, चरगावा ब्लॉक पड़ता है आपको, चरगावा तहसील गोरखपुर पड़ेगा, गोरखपुर सदर में ही है। और ये आपको चरगावा ब्लॉक है और बनटांगिया आप बनटांगिया समाज है पूरा? हाँ हाँ, बनटांगिया बन। कितने यहाँ पे कितने घर होंगे कम से कम? यहाँ होंगे 400 से कुछ, पहले 400-500 पहले आवास, 400 के आसपास आवास, 475 आवास आया है। उसके बाद में और भी मकान है, 500 से ऊपर जाएगा, कम से कम 3,000 के आसपास आबादी यहाँ का है। तो पूरे लोगों को आवास दिए हैं योगी जी? हाँ, जिसका शादी हो गया था उनको सभी लोग को आवास दिए हैं। कंची तो कुछ ऐसे लोग हैं कि मतलब कुछ तरह से बच गए हैं, उनका भी कह रहे हैं कि लोग की बारी बारी सबका आएगा, किसी को मतलब वंचित नहीं रहेंगे लोग, सभी लोग आएंगे। तो अब तो 5 साल उनका खत्म होने जा रहा है? हाँ, 5 साल खत्म होने जा रहा है, तो अभी अभी भी भरा रहा उनका, मतलब जो है कि मतलब अधिकारी लोग। तो ये गैस नहीं मिला है क्या आपको? नहीं, हमको गैस, हम खुद कनेक्शन खुद करवा लिए थे, 2 गैस हमारे पास है, कनेक्शन करवा लिए। तो उसको नहीं उठाते नहीं है? तो उसके बाद तो हम भरवाते हैं जब उत्ती रहता है, और उससे भी काम करते हैं, ऐसे भी सुनते हैं कि इससे गैस नहीं बनता है, जैसे हम लोग शुरू गैस नहीं बनता है, गैस पे खाने से गैस बन जाता है। हाँ, सुनते हैं गैस बनता है, हम लोग ज्यादा कुछ लकड़ी से यूज करते हैं, जलौनी से काम चला लेते हैं और गैस भी बना लेते हैं। एक चीज और सुनते होंगे, लोग शौचालय भी नहीं जाते हैं, बाहर जाते हैं कि बहुत बढ़िया जो रहता है, लोग बाहर जाते हैं, तो क्या? नहीं नहीं, यहाँ तो यह है कि शौचालय बाबा ने हर घर में शौचालय है, घर पूछ पूछ के सबको दिए हैं, ये नहीं है कि शौचालय सबको दिए हैं और सभी लोग अपन शौचालय का आनंद ले रहे हैं, ये नहीं है कि मतलब बाहरी लोग, सभी लोग देखिए सबके शौचालय बना। अच्छा। सबके वहाँ शौचालय बना हुआ, सबको मिला है। देखिए यहाँ सबको लोग बोल रहे हैं कि सबको मिला है, हम है यहाँ बनटांगिया समाज का, ये गांव है और यहाँ पे सबको बाबा सब दिए हैं। क्या बोल रही थी चाची? क्या बोल रही थी? आइए आइए, यहाँ बोलिए, चौक चौपाल पे आप बोलिए, आइए आइए। अच्छा, बोलिए क्या बोल रही थी, कहाँ जा रही आप? आइए बोलिए, आप बोलिएगा तो लोग सुनेंगे जानेंगे, कहा कौन सा जगह है ये? तो बाबा हमारे सब कुछ के व्यवस्था दे, कुछ कमी नहीं दे। और क्या क्या आपको मिला है थोड़ा बता दीजिए? अरे तो बता दीजिए थोड़ा। शौचालय मिलल बा, घर मिलल बा, और
का बात तो शौचालय में यहाँ तो ताला लगा हुआ है, वो किसका है? इसमें ताला लगा हुआ है। राशन भरपूर हमन के देत हम, उनके कमी नहीं बाबा कहले में सब कुछ दे दे। बाबा सब दिए हैं। अच्छा नमस्ते नमस्ते। अरे वाह 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 वाह, देखिए ये कितना बढ़िया प्यारे ये बच्चे हैं बकरी के, और इसको मेमना बोला जाता है, मेमना ये है। और यहाँ भेड़ भी है, भेड़ भी लोग इधर चराते हैं, अभी आपको दिख रहे थे। क्या नाम है आपका? यहाँ का नहीं है भैया। अच्छा आप भी यहाँ के नहीं है, आप लोग यहाँ जानवर लाते हैं क्या चराने के लिए? भाईस भाई, भाईस के। अच्छा आपका भैंस चर रही है। अच्छा आप भी बहुत तेज लग रही हैं, कुछ मतलब यहाँ क्या लग रहा है आपको? आपको आप लोग एक ही घर के हैं? हम एक ही घर के। आपका क्या नाम होगा? शीला। अच्छा तो आप यहाँ पे मतलब मोहल्ले में नेता होता है, जैसे पूरा जो है शिव चर्चा होता है क्या? हाँ शिव चर्चा अपने अपने घर से करावा ना। तो शिव चर्चा होता होगा तब पूरे आपको जानकारी होगा सब ना, हम का। कहीं जाली हाँ नहीं हो जाती है। तो अच्छा ये बताइए कि गैस पर खाना नहीं बन रहा है? गैसो बना ला, लकड़ियो बन जाला हमन के। मतलब गैसो पे कम, लकड़िये पे ज्यादा बन? नहीं गैसो बन जाला, लकड़ियो बन जाला हमन के खाना। जैसे मौके से गैस नहीं भरा पावला तो लकड़ियो बन जाला। अच्छा मौके पे मतलब कि यहाँ पे। अच्छा ये शौचालय में ताला लगा हुआ है? शौचालय में ताला नहीं लगा, बहुत ताला बाहरियो के ऊपर ही जाए, लेके बैठ जाए। अच्छा जब जाना होगा तब खोला जाएगा, तब खोल के बैठ जाए। ये भी बात है। यहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं? हाँ सब बच्चे पढ़ता है। स्कूल सही है? बहुत सही। तो बाबा के आने के बाद ये सब हुआ है कि पहले हुआ था? सब बाबा पहले नहीं भैया, बाबा जब से आवे लगल है सब आवास उवास सब बिजली उजली सब दे देना, हमन के सब सुविधा बाबा दे देना। आप भी यही के हैं? क्या नाम है आपका? रमेश्वर। अच्छा आपका आवास मिला है? हाँ। कब मिला था? अरे कब। ये बताइए कि यहाँ पे मतलब कुछ ऐसा सब जो है बाबा, ये आपको जो यहाँ से आप लोग इधर निकल जाते हैं कहाँ? पादरी बाजार के तरफ? हाँ पादरी बाजार भट्टा बाजार करे वहाँ निकल जाते हैं। अच्छा जंगल में ये गांव बसा हुआ है, जंगल के बीचों बीच में है। तो ये पहले से आप लोग रह रहे थे कि बाद में रह रहे? नहीं पहले से रह रहे जे, जैसे हमन के बाबा और दादा ऐसा पेड़ी दादा लगा है। अच्छा बनटांगिया मतलब कि ये बोला जाता है कि वन आप लोगों का लगा हुआ? हाँ, तो जैसे बाबा लगाओ ना वहाँ कुसमी या रामगढ़ में है, सब दादा के लगावल है। यहाँ हमन के नाला वाला खन ली, नाला खन गई, पौधा लगा गई, तो गौरा देवी पौधा कटवली। जब जैसे हमन के जैसे चल तलो ऐसे ना चले जाना, कहना कभी यहाँ सब लोग भाग जाओ, तो हमन कहा कहाँ भाग के जाए, घर द्वार ना आईबा। अरे पहले रहा थोड़ा थोड़ा घर, तो जंगल में सब छोड़ के आये, रेंजर फॉरेस्टर बुला के मनो चिरौरी कह के लिया है ना, कहना कैसे पौधा लगाओ आज जरौनी बेचा खा, आज अपन जो ना पौधा में अनाज होता अपन वह खाद जा जियत जा। तो ऐसा करत करत मन पुरखा पुरानिया मर गए ना, अब मने बाटी। आपका मतलब कितने पीढ़ी से आप लोग यहाँ हैं? हमार बाबा रहना, फिर हमारे दादा रहना, फिर हम बाटी। अच्छा हमारे बाल बच्चे बाटे हैं, लड़के और लड़कन के लड़की हो गए हम। यहाँ पे अभी आप लोग पेड़ पौधा लगा रहे हैं कि मतलब ज़्यादा कटाई हो रहा है? ना पेड़ पौधा न लगावल जाता और ना जंगल में क्यों जा पाओ, तो जब से ही होए लगा रहा कार्यक्रम तब से जंगल में लकड़ी क्यों काट नहीं पाओ। पूरा वन विभाग वाले यहाँ पे दौड़ते रहे भाई, जगह पा जाए तो मरिए बंद करिए मार के हाथ तोड़ दिए। तो नया पौधा नहीं लगाते आप लोग? नया पौधा वन विभाग वाले लगवावत हूँ यही जंगल में, मतलब हमें वन नहीं लगाता। ये जो जंगल है गोरखपुर में, तो ये आप छोटे पौधे से तो देख रहे होंगे, जब छोटा पौधा होगा कितने बड़े से आप देख रहे हैं? एक तो इतना मोट मोट रहा तब से हमें देखा था। हाँ हेमा नाला खन ले है, पौधा लगा ले इतना तड़े रे हिन्ना चाकर नाला खाना था लाइन से देखा जाता पौधा बा, तो ऐसा नाला सनतरे से खना जाए और फिर पटा जाए, पाट के तब सेखुआ के बिया बीन के तब हम रोपल जाए।
तभी मन संतरे ही कोरस रो पा ऊपर घास हो ना जामे पावे जाम वो करे तो फालिस्ता परगाठ और सिपाही कह के चल के सोहल जा और आरी आरी कोरल जा खुरपी आवे पड़े तो पौधा पाँच साल में जब तैयार हो जाए तो फिर छोड़ दिया जा फिर दूसर उठ जाए जा दूसर पौधा लगावे खातिर। तो ये जंगल जब लगा था तो ये सबसे ज्यादा इसमें किस चीज का पेड़ है? सबसे ज्यादा सेखुआ पेड़ है। सबसे ज्यादा सेखुआ है। सेखुआ तो बहुत ज्यादा दिन में होता है, 100 साल का सेखुआ हो जाए। 100 साल इसका तो कुछ कहावत भी है, 300 बरस ओकर नियाज हो जाए। नियाज मतलब जैसे 3 साल में उस सरी अच्छा पानी में डाल दिया जाता है। सेखुआ 100 साल में होगा उसके बाद उसको काट के और पानी में डाला जाता है। 100 वर्ष खड़े 100 वर्ष सड़े या 100 वर्ष सड़े क्या बोल रहे हैं बताइए। जैसे इसका अर्धवार है 100 वर्ष खड़े होता है 100 वर्ष के बाद पड़े हो जाता है तब 300 वर्ष सड़े यानी 100 साल सड़ने में लग जाता है और 100 साल पड़ने में लग जाता है और खड़े में 100 साल हो जाता है। 100 साल में जब पक जाती है तो 300 वर्ष लग जाता है सड़ने में। सखुआ का ये महत्व है। हाँ साखू बहुत मजबूत लकड़ी, बहुत मजबूत लकड़ी। ये पहले घरों में जो लगता था आपको क्या बोलते थे उसको पत्थर पे जो धरन कोरो ये सब साखू का लगता था तो हमन के कहाँ लगवा पर मड़ाई के घर रहता तो हमें सखुआ कहाँ लगा मिली। अरे मोट छापर काट उठ के वह सब कहीं के जा काट ला अपन मड़ाई डाल तब मड़ाई में सब रहते रह कहाँ यहाँ घर बनता। है जैसे बड़न बड़न पुल बा है रेलवे बा तब सेखो की लकड़ी सब रेलवे लेता रही है सरकारी जाता रहे और जनता कहाँ पाई वैसा लकड़ी। तो आप लोग यहाँ पर मतलब इतने दिन से रहते हैं सब सुविधा रोड सब बना है पूरा बढ़िया से मतलब रोड बात है ये बा देखा जा बनते बा अभी खड़ंजा लग गई बा अभी हर खड़ंजा लगवा। अच्छा जंगल में ये गांव बसा हुआ है तो ये तो यहाँ पे आप लोगों को डर नहीं लगता है जंगल में? जब यहीं से हमारे खर्ची चलता तो कैसे डर लगी। अब हम हत नाती बाटे हमन बाटी तो उन्होंने डराई हैं जब हमन रहा तो उन्होंने डराइया नहीं मान ला अकेला अगर बच्चा रही तो डरा के मर जाई तो ऐसे हमन के बाबा दादा रहने तो कैसे डर लगी। मान सियान जब रही हैं और लड़के साथे में रह सके आ जब ना सियान रही तो लड़के कहाँ रह पाई हैं ऐसा सीढ़ी चढ़ते लोग। रात में किसी को तबीयत खराब हुआ तो यहाँ है स्वास्थ्य केंद्र बना है? यह आंगनबाड़ी बनल बा बहन यहाँ मौके से डॉक्टर अभी नावल ना है कि आए वाला बात है। आंगनबाड़ी में पढ़ने के लिए बना है कि डॉक्टर ही खातिर है पढ़ने खातिर वो बनल बा तो इसमें कोई नहीं आता है हमें अभी इनके वो आयल ना बा इसमें कोई नहीं आता पढ़े खातिर। ये बना है आंगनबाड़ी केंद्र देखिए आपको सामने एक बार दिख रहा है आंगनबाड़ी केंद्र में इसमें कोई अभी तक आया नहीं है। मंच जब नेता आते हैं तब कोई आधार कार्ड हुआ कोई मतलब सुविधा होता है तो इसमें आकर बताते हैं कि मतलब यहाँ बनेगा तो आंगनबाड़ी पाते हैं प्रधान जी भी आते हैं जो मुखिया हैं वो भी आते हैं और सभी लोग यहाँ कोई कार्यक्रम होता है तो यहाँ बताते हैं तो लोग जुड़ के कार और करा लेते हैं। ये नहीं है कि मतलब कि ये चालू नहीं है ये भी चालू है। अभी प्रधान जी भी आए थे कि यहाँ के टायर वो लगवाने के लिए करते भाई टायर वो लगवाने हैं और बाउंड्री भी करवाने लिए आए थे प्रधान जी। हाँ वो कह रहे थे कि हो जाएगा। अच्छा और मशीन से बनवा गए हैं फिर मशीन मान लीजिए जैसे बच्चे हैं। आज कौन कौन जानवर रखे हैं आप लोग? बकरी हमारे पास अभी हम लोग के पास है बकरी है भैंस कुछ लोग रखे हैं गाय कुछ लोग रखे हैं बस यही 2-3 प्रजाति लोग रखते हैं यही है। अच्छा चलिए अभी हम थे बनटांगिया गांव है बनटांगिया गांव ये जो आपको दिख रहा है एक बार कैमरा पैन कीजिए ये आपको पूरा दिख रहा है जंगल है और जंगल के बीचों बीच योगी जी जब मुख्यमंत्री बने थे तो ये गांव को मतलब आवास दिए थे। आप लोग पहले से रहते थे लेकिन आवास उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद सबको मिल गया। अच्छा कुछ में ताला लगा हुआ है इसमें तो ऐसा है उसमें ताला जैसे मान लीजिए जैसे यहाँ है तो जैसे हमारे भाई है हमारे भाई जी है तो जैसे वो घरों पर रहते हैं ना वहाँ घर में से आके फिर यहाँ से पर सामान मर रख के फिर वहाँ चल जाते हैं वहाँ भी खेतवा में सूतना पड़ता है खेत में से मान लीजिए महेशी आ जाएंगे परिवार नहीं है नहीं नहीं माता सभी को लोग हैं तो मान लीजिए खेते रहना पड़ता है जब शाम होता तो यहाँ लोग आ जाते हैं। आप कैसे ये मतलब इसमें कौन कौन सा फसल आप लोग लगाए हैं इसमें? इस समय तो देख लीजिए सब जो बरसात हुआ है बरसात की वजह से सब फसल नष्ट हो गई है अब समझ लीजिए घास ही बचा है अब इसके बाद सब पालक वालक लगा रहे हैं खेती मज में सब लोग जोता रहे हैं उसमें होगा किसानी। हाँ
चलिए, ये बनटांगिया समाज के लोग हैं और बनटांगिया गांव है, चरगावा ब्लॉक पड़ता है, गोरखपुर सदर में आता है। और आप लोगों का विधानसभा गोरखपुर सदर है कि ग्रामीण है? ये अभी समझ लीजिए ग्रामीण है। हाँ, वोट विधायकी में वोट किसको देते हैं आप लोग? सदर है। अरे वोट विधायकी में ना, अब जो बाबा और सराला थे के दिया जाला। हाँ। बाबा और जो उठा ला दिया जला, उनके रवि किशन के जिता लगे सांसद में। हाँ। अच्छा, तो मतलब और पार्टी के लोग नहीं आते हैं? अब और पार्टी देखा हम उनके मानता ना, अकेले आते हैं, कौनो पार्टी वाला ना दिया ला। अब बाबा पार्टी वाला तो दिया जाला, झाड़ के नहीं दम झाड़ के देते हैं। हाँ। अच्छा। हाँ, फिर चुनाव आ गया है। हाँ, तो बाबा दिया जाए। हाँ, चलिए, झाड़ने वाला गांव है और बाबा यहाँ पे आवास दिए हैं, बाबा के देख रहे हैं, लेकिन अभी इनको गैस ये लोग अब महंगाई के वजह से नहीं उठा पा रहे हैं। अच्छा, क्या महंगाई नहीं है आप लोगों के लिए? बाबा महंगाई किए हैं कि पहले ही से था? पहला ही रहा, पहले तो 600-700 रहा, अब तो 1000 हो गई। तब बताओ 1000 रही तब ने इतना गिरानी में अपना ही नीमक तेल घट ले रहा तो महंगाई 1000। बाबा बाबा दूध एक महीना में दो राशन ना देता तो भूखन मर जाए पड़ा। हाँ, एक महीना में दो राशन। हाँ, तब का 5 किलो रेमा मिला, 35 किलो रेमा मिला, हमन के खर्च ना देता तो हमन के और उपास करे पड़ जाए। गैस लेकिन महंगा है। चलिए, महंगाई है, तब ने गैस भरा पाई। अब जब ना रही तो मानी कहाँ से दवाई कराए भर के घट जाता, तो हम गैस कहाँ से भरे? ऐसे बढ़िया जो झूनिया लकड़िए से भरे झुकी किसे? जब पैसा रही तब गैस ने भरा। लेकिन सस्ता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कहाँ सस्ता हो जाए तो बढ़िया वहाँ। अच्छा, सस्ता हो जाएगा तो मतलब? हाँ। तो क्या मतलब बाबा सस्ता कर देंगे? जन भाग्य मेरे नान जाते भगवान को माया नान है। आप लोग वोट देते हैं ना? हाँ, बाबे को दिया। अच्छा। जे दे तो खर्चिया चलाओ तो तेईक देवे ने, हमके तू देखो तो तू ही देवे ने। हाँ। कहो। हाँ, देखिए ये टांगा से एक बार दिखाइए कैसे ये काट रहे हैं, पूरा एक दिन में पूरा जो आज काट देंगे। सुबह से कब से लगे हैं? अभी 10-15 मिनट हुआ। अच्छा, 10-15 मिनट में। चलिए, आधे दिन का काम है। और ऐसे ऐसे बूटी बूटी इसको बोलते हैं, छोटा छोटा करके और ये घर में ले जाके जलावन लगाएंगे। अभी देखिए, चलिए आप जुड़े रहिए ऐसे ही चौक चौपाल पे, जंगल के बीच, गांव के बीच, शहर के बीच, नदी के किनारे और हर जगह से चौक चौपाल पे आपको मिलता रहेगा यूपी की चुनाव कवरेज। और चुनाव कवरेज में आपको दिखाएंगे कि कहाँ विकास हुआ है, कहाँ नहीं हुआ है, कहाँ के लोग कैसे सोचते हैं सरकार के बारे में, सरकार कैसे काम कर रही है, क्या अभी बाकी रह गया सरकार जहाँ अगर काम की हुई है वहाँ पे बाकी क्या है, ये भी चीज़ हम आपको दिखाते रहेंगे। आप जुड़े रहिए चौक चौपाल पे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकॉन को क्लिक कीजिएगा, फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, इसलिए कि आप अगर शेयर कीजिएगा तो हमारा मनोबल बढ़ेगा। और आप ऐसे ही बने रहिए। मैं सोनी कुमार, कैमरे के पीछे हैं रोहित कुमार। अभी मैं गोरखपुर के बनटांगिया क्षेत्र से जंगल के बीचों बीच ये गाँव बसा हुआ है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।